सरकार में बैठा है कि बोका चौधरी बैठा है, पूछो कर देता है। ये अधिकारी है, ये तो सब का सब बाहरी है। जो झारखंडी होगा लाठी चलाने के लिए सोचेगा, अपना भाई कैसे मारेंगे? नहीं सर, बाहरी लोग को यहाँ लाया। आपको बताते चले, पिछले बार जो विधानसभा घेराव था क्या था, एक तो ऐसा बोल रहा हम बिहारी बा, मतलब हम क्या जातिगत करने आए हैं? तो ऊपर से ऑर्डर है कि कहीं भी मार दीजिए। मतलब वो लोग चाहता है कि एक दूगो को मोरा दे और कानून क्या बोलते हैं आंदोलन को रद्द कर दे। तो रद्द होने वाला है जी, है रद्द होने वाला है। उड़सिया है ना आपका, नीचे से काटना चालू करेंगे, ठीक है? हिसाब में रहिए, नीचे से काटना चालू करेंगे। और आपको बताते चले कि इतना बर्बरता कोई नहीं करता है जितना ये बाहर के पुलिस पदाधिकारी करते हैं। चोर बोलेगा कि हम चोर हैं, चोर नहीं बोलेगा कि हम चोर हैं। और मारेगा और अंधवारी मारेगा, कहा है उसको ऊपर से ऑर्डर है। माननीय महोदय आदेश दे चुके हैं, मुर्ग मार पर है, मुर्ग मार भाई मेरा पता चल जाए तो कितना के मार भी जी। हमारे एगो खून जे चुतो ना, वो दस गो खून क्रांति बन के निकलते, ठीक हो? एगो खून जे चुतो, दस गो खून क्रांति बन के निकलते तो एगो के मार भी है। और वो जो है इतना बर्बरता से मारती है, ये अधिकारी है, ये तो सब का सब बाहरी है। जो झारखंडी होगा लाठी चलाने के लिए सोचेगा, अपना भाई कैसे मारेंगे? नहीं सर, बाहरी लोग को यहाँ लाया। आपको बताते चले, पिछले बार जो विधानसभा घेराव था क्या था, एक तो ऐसा बोल रहा हम बिहारी बा, मतलब हम क्या जातिगत करने आए हैं? नहीं करने आए हैं, लेकिन वो अपना जो है जाति बता के मार रहा है। ये यहाँ का मानसिकता, ये लोग कितने भी बड़े अधिकारी बन जाए ना, ये लोग का मानसिकता कभी खत्म नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये अपना जातीयता दिखा देंगे। आज भी बिहार में चुनाव होता तो जाति देख के वोट दिया जाता है, ठीक है? जाति देख के वोट दिया जाता है। जिसका मन से जातीयता खत्म नहीं हो सकता उसको यहाँ से हम लोग बताइए क्या कुछ कर सकते हैं? उसका मन में इतना गंदा है कि वो जाति खत्म नहीं कर सकता, बोलता है गर्व से। अरे हम लोग लजा जाते हैं, अरे लजावा तो कैसे चलता हूँ जी, अपन हक अधिकार मांगा था। और बताते चलियो, देखिए ये लोग CNT SPT ये लोग का उल्लंघन करके, कानून का उल्लंघन करके रह रहे, ये लोग का शर्म नहीं लग रहा है? अरे हम लोग का कुछ कुछ युवा लोग साथी लोग हैं, उन लोग का शर्म आता है आने में। तो अभी देखे हैं उधर से कि एक दो लड़का लोग कोई घर में घुसा हुआ था, घरों में घुस के मार दिया पुलिस वाला से। वही ना, इसको को ऊपर से ऑर्डर है कि कहीं भी मार दीजिए। मतलब वो लोग चाहता है कि एक दूगो को मोरा दे और कानून क्या बोलते हैं आंदोलन को रद्द कर दे। तो रद्द होने वाला है जी, है रद्द होने वाला है। उड़सिया है ना आपका, नीचे से काटना चालू करेंगे, ठीक है? हिसाब में रहिए, नीचे से काटना चालू करेंगे। और आपको बताते चले कि इतना बर्बरता कोई नहीं करता है जितना ये बाहर के पुलिस पदाधिकारी करते हैं। अभी बताएं आपको, एक बड़े अधिकारी है रांची के, वो तो हॉस्टल में घुस गए थे, बोलते हैं रे तुम लोग है का? बोला कि नहीं ये लोग नहीं है। उसका बस चले ना, उन लोग का बस चले तो केकरो उठा के डाल देगा, पगलों को उठा के डाल दे। सली ये भी था आंदोलन में, ऐसा ऐसा यहाँ का अधिकारी लोग है। और इन लोग का अधिकारी को नचवा रहे हैं वो बड़े अधिकारी, नामी आदिवासी, सिर्फ नाम का आदिवासी। उसको गरीब जैसा खेदता है तो बेटा खेदाते चलता, दाहिने मुड़ कहता है तो दाहिने मुड़ता है, बाहिने मुड़ कहता है तो बाहिने मुड़ता है। ऐसा ऐसा ये हम लोग का माननीय मुख्यमंत्री महोदय है। और यहाँ के अधिकारी भी वैसे, एक तो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, उनका एम्बुलेंस सड़ रहा है, और वो आपको हम बनिया बा कहता। अरे भैया आप संविधानिक पोस्ट में रह के जातिगत कर रहे हैं। तो वो तो बोलते हैं कि ये 60-40 का है, 60-40 का है, वो नहीं जानते हैं, उसका सब खेला हम लोग जानते हैं, ठीक है? वो 60-40 बोल देते हैं का सबको झारखंडी को देंगे, कई को झारखंडी को दिया। अभी भी वैकेंसी कितना भराया है बता दीजिए। वो हाल फिलहाल में उच्च न्यायालय वहीं का जो पोस्ट निकला था, जो वहाँ का रिक्त अधिक भरना था, उसमें कह गो UP बिहार बंगाल, और अभी का भी जो कल है मान्य अदर स्टेट भी चलेगा। काहे चलेगा भाई, और स्टेट में देगा का? कोई नहीं देगा। ई सरकार में बैठा है कि बोका चौधरी बैठा है, पूछो कर देता है क्या? मतलब करना क्या चाहता है अपना? अच्छा एक बात बता दीजिए, ये बाहरियों को इतना खुला ऑफर दे रहे हैं, उन लोग को एक फीसद जमीन मांगिए तो लड़ाई कर देगा, नहीं लेकिन नहीं देगा। और हम लोग का सरकार लड़ाई का ये तो खुला चुनौती देता है, आइए भैया जितना भर लेना भर लीजिए, हमको भी भरना है भर दीजिए, पॉकेट में साइड से भर दीजिएगा। ऐसा है यहाँ का वैकेंसी, यहाँ का जो है सीट बेचाता है, मंत्रियों का खाता में जाता है पैसा, यहाँ उनका जो मंथली पैसा है तो उनसे पेट थोड़ी भरता है। ऐसे ही लोग का पेट बंद क्या बोलते लाता हो गया है, ऐसे थोड़ी हुआ है, हराम का खा के हुआ है, ये हराम का खाते रहेंगे। हराम का खाता है, फिर भी तो सुने कि 70 करोड़ का घर बना है मंत्री लोग का रहने के लिए। 70 करोड़ का घर बनाया, और आप लोग ने भी देखा होगा वो घर जिसका टूटा है ना, वो लोग बिलख रहा है, रो रहा है, वो लोग का हाय लगेगा 24 में, उसको पता चल जाएगा। कहे गरीब परिवार का हाय नहीं लेना चाहिए, वो लोग का लगता है
हैं आप जो है उन लोग को बेघर कर दिए। एक घर तो कम से कम दे देना चाहिए था, उतना आप लोग का जो गाड़ी का बात होता है तो सब पक्ष और विपक्ष एक दने हो जाता है, घर का बात होता है पक्ष और विपक्ष एक दने हो जाता है, पेंशन का बात होता है पैसा बढ़ाने का बात होता है एक हो जाता है, जब गरीब का बात आ जाता है अच्छा कल आना परसों आना, मतलब परसों आना। हम लोग का एकमात्र डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने एक शक्ति दिया है वोटिंग का अधिकार, वो अधिकार इस बार बताएंगे हम लोग। इस बार टारगेट रहेगा कि आपको हटाने का। कैसे, कई बार सुने हैं आप, कभी बोलते हैं कोरोना है, कभी बोलते हैं फलना है ढिका है, और आपका कितना कितना जमीन मिलता है, है? उतना उतना चीज जो है आपका जमीन कहाँ से आ गया था, भाभी जी का नाम से उतना जमीन है, खनिज है, इन लोग को तो ईडियो नहीं पकड़ता है। और आप लोग को बताते चले, यहाँ के जितने पद और अधिकारी है ना, उस यहाँ सिर्फ एक मकसद लेके आए कि यहाँ लूटे कैसे। आप एकदम देख रहे हैं ईडी का छापा कहाँ नहीं पड़ा है, हर जगह पड़ा है, हर आईएएस आईपीएस का जगह पड़ा है। तो आप सोच सकते हैं इन लोगों के पास कितना पैसा है, और ये साल में तो इतना पैसा निकल गया कि साल गिनने कम हो जाएगा, ये इतना पैसा निकल चुका है इन लोग के पास से। इन लोग सिर्फ लूटने आए हैं, उसके अलावा हम लोग का कोई विकास नहीं करेंगे। ये उन लोग को छुड़ाने के लिए हम लोग से जो हो सकता है करेंगे, लेकिन ऐसा है वो लोग ज्यादा देर रखेगा नहीं, ऐसा थोड़ी अरेस्ट करके गया है उन लोग को, सिर्फ ऐसी रिमांड में रखा है, उसको छोड़ेगा ही छोड़ेगा। रिमांड में क्यों लेके गया है, क्यों रिमांड में क्यों ले लिया गया वो लोग? अरे भैया वो लोग डर गया ना, बहुत कुछ सोचने लगा हमारा कुर्सी डगमगा जाएगा, बहुत कुछ सोचने लगा कि यहाँ माहौल खराब हो जाएगा। वो लोग संवैधानिक तरीके से लोग को लेके गया है, लोग को छोड़ेगा ही छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा ऐसा है ही नहीं। यहाँ परमिशन तो आप लोग लिए हुए थे ना ये करने का? देखिए भैया परमिशन लेने से थोड़ी होता है, कागज का लिखा हुआ सरकार नहीं मानती है, और ये लोग आला अधिकारी, इनका मर्जी रहेगा तो कागजों को सुनेगा नहीं, कागजों को फाड़ के फेंक देगा, बोलेगा कब परमिशन, ऐसा बात है। यहाँ का अधिकारी जो है सब मिली भगत है, वो भी चाहते हैं, उनका आदेश रहता है कि एक भी बंदा नहीं बचना चाहिए, एक भी बंदा को नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा उन लोग का आदेश रहता है। इसीलिए वो लोग जो है झारखंड को खुद तो लूट रहे हैं, अगला को भी लुटवा रहे हैं। दादा आप बोले कि वोट का बहुत ताकत है, 1.5 साल बचा हुआ है, मसाल जुलूस और झारखंड में देखने को मिलेगा? एकदम मिलेगा, काहे नहीं मिलेगा, इसके लिए हम लोग चुनौती के लिए तैयार है। आई लव चुनौती, चुनौती स्वीकार करते हैं हम। वो क्या है, अरे एक दो का कुछ आंदोलनकारी को अरेस्ट कर लिया तो हम लोग रोक लेगा? पहाड़ को आज तक कोई कट नहीं सका है, हैं? और चट्टानी एकता हम लोग का ऐसा है ना कि वो हम लोग पहुंच जाते हैं जगह पे और दिखा भी देते हैं। कई बार नहीं आए हैं, विधानसभा जय बार घरने आए, सब एसएसपी डीएसपी का एकदम हिलने लगता है कुर्सी, अरे भैया आ गया आंदोलनकारी लोग, आ गया भैया अब हमारा कहा होगा, बोल के इतना प्रशासन भर देता है ना कि हम लोग आंदोलनकारी से ज्यादा प्रशासन भर देता है। डरवाने का प्लान बी नहीं रहता है आंदोलनकारी के पास, क्या कहेंगे आप? प्लान बी भी रहता है लेकिन हम लोग थोड़ा सा मतलब कमजोर, थोड़ा सा हम लोग 1.5 साल तो आंदोलन कर ही रहे हैं ना, 1.5 साल से लगातार आंदोलन चल रहा है। अभी मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे थे, चारों तरफ से घेर लिया गया, प्लान बी तो नहीं था हम लोग के पास? प्लान बी भी था लेकिन जिसके पास था उसको भी लेके चला गया, तो वही तो दिक्कत है ना कि मान लीजिए जो भी शीर्ष नेतृत्व है, जो छात्र नेता है, उन लोग को अरेस्ट कर लिया, आंदोलन चितर बितर हो गया, क्या कहेंगे? देखिए ये चितर बितर नहीं हुआ, अभी भी हम लोग संगठित है, अभी भी हम लोग डटे हुए हैं, अगर चितर बितर रहा तो सब घर पहुंच जाता है, ठीक है? चितर बितर नहीं, बस ये अपना कुछ साथियों को ले जाने से हम लोग का जो आंदोलन है कमजोर नहीं हो सकता, और हम लोग को कभी कमजोर भी नहीं कर सकते, राड़ माटी का राड़ लोग हैं। देखिए मुख्य मांगे आप लोग खुद ही जान रहे हैं, हम लोग काहे ले भैया 60-40 है, स्थानीयता परिभाषित कीजिए, क्षेत्र भाषा को लाइए, कुछ नहीं लाते हैं ये लोग, बस यही सब मांग है। 60-40 क्यों स्वीकार करें, आप दीजिएगा अपना घर का आधा प्रॉपर्टी हमको लिख दीजिए, तो अगर 60-40 देना है तो जितना मुख्यमंत्री मंत्रीगण है सबको आधा आधा अपना पेमेंट हम लोग को लिख दीजिए, तो नहीं लिखेंगे तो हम लोग काहे देंगे? अगला स्टेट में जाएगा तो लाठी मार के भगाएगा, अगला स्टेट जाएगा तो बैरिकेटिंग लगा दिया भाषा को लेके और अदर चीज को लेके, लेकिन यहाँ ये सरकार जो है बेवड़ी सरकार है, ये हड़िया सरकार है, नहीं चलना। हम लोग सोचे कि भैया हड़िया दारू नहीं पीता है, नियमित आदमी है, बढ़िया से काम करेगा, तो पता चला कि साइड में हड़िया ही लाल। 1.5 साल बचा हुआ है सरकार को, इसको मतलब हटाने का कोई प्लान आप लोग? हटाने का प्लान तो अभी नहीं हम लोग किए हैं, लेकिन ऐसा है कि जल्द ही शेड्यूल बनेगा, क्या है कि ऐसा सरकार देखिए किसी से उम्मीद नहीं किया जा सकता।